हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हमने अब तक देखा हुआ है पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इम्पर्सनल में हमने रियल अकाउंट देखा था, ठीक है। एक काम करते, अभी गैप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो गैप को भरने के लिए हमको रिवाइज करना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों मुझे बताओ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कितने टाइप्स होते हैं? ओके, हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन इज पर्सनल अकाउंट, नंबर सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या बात कर रहे थे? हमारी खुद की बात कर रहे थे। उसमें हमारे थे तीन टाइप्स। नंबर वन था हमारा नेचुरल पर्सनल, सेकेंड था हमारा आर्टिफिशियल, और थर्ड था हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मैंने मेरा फर्स्ट लेसन में पूरा डिफाइन किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में जब आओगे, सेकेंड पार्ट में क्या था हमारा? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखो अभी सेकंड क्या था हमारा? इम्पर्सनल था। सेकंड क्या था अपना? इम्पर्सनल। सेकंड था अपना इम्पर्सनल। इसमें हमने पहले देखा है रियल अकाउंट, और सेकंड क्या होता है इसमें? नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। इसमें क्या था पहले अपना? रियल अकाउंट में हमने देखा हुआ था, रियल अकाउंट में दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि पहले था अपना कैश और सेकंड अपनी होती है असेट्स। तो असेट्स को भी मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है, आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस डिफिकल्टी नहीं है अभी कुछ, यहां तक तो यहां तक सब क्लियर है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, दोनों भी अभी क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था बच्चों? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? हाँ, क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। और रियल अकाउंट का रूल क्या है अपना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज नॉमिनल अकाउंट के साथ। देखो अभी रियल अकाउंट तो पूरा देखा हुआ है, तो अभी आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के साथ। नॉमिनल अकाउंट, तो बच्चों एक काम कीजिएगा, अभी नॉमिनल अकाउंट सीखते वक्त अपने को एक काम करना है, एक सिंपल सा काम करना है। जब भी हम नॉमिनल अकाउंट्स की बात करेंगे, तो ये बात करते हुए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है, और सबसे अगर लॉजिकल बोलने जाओ तो आपको यह समझ आएगा, क्योंकि आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर पाओगे। ऐसा वाला अकाउंट है अपना, कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तो मुझे एक बात बताइए, अभी हम तो 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मैं से अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 12 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और 11 के बच्चों, 11 के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी पिछले साल 11 किया था, ठीक है ना, तो हम ये सोच रहे हैं अभी उनको रूल तो पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। ओके, सो मुझे ये बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है सबसे पहले, तो हिसाब से हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ओके, क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? ओके, क्या? डेबिट All expenses and losses. क्या बोला आपने? Debit all expenses and losses and credit all, क्या बोला? Income and gains. Okay. तो क्या रूल है अपना? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो इसमें क्या समझा आपको अभी? इसमें क्या समझा आपको अभी? There are four types in nominal account. ये बात समझे आपको? तो एक काम करते, ये जो चारों को चारे पॉइंट है अपने, ये जो चार पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे अपने को, expenses, losses, incomes and gains, इनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि भाई एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, इनकम क्या है, गेन्स क्या है, इसको हम अच्छे से वन बाय वन समझ के लेते हैं, जैसे कि जिससे क्या होगा कि अपने को समझने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट विद अपना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक्सपेंसेस के साथ। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद एक्सपेंसेस। चलो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट डज इट मीन? एक्सपेंसेस माने क्या? क्या क्या लगता है आपको एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताइए?
ओके ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनको ये लगता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनको क्या लगता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि यहाँ से भी पैसा जा रहा है और यहाँ से भी पैसा जा रहा है। बात को समझो, दोनों में क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस में भी पैसा जा रहा है और लॉस में भी पैसा जा रहा है। तो उनको दोनों भी थिंक क्या लगती है, सेम लगती है। उनको दोनों में कुछ डिफरेंस लगता ही नहीं है। तो अपने को वो डिफरेंस समझना है कि भाई एक्सपेंसेस और लॉसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बार वो डिफरेंस आप समझ गए तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा कि एक्सपेंस माने क्या होता है और लॉस माने क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट विद एक्सपेंसेस। तो चलो एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चों, समझो पहले। सबसे पहले देखो, एक्सपेंसेस के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। वो एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंसेस होते क्या है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंसेस एक्चुअल में होते क्या है। ओके, तो देखो एक्सपेंसेस माने क्या है, एक सिंपल अगर मेरे को डिफाइन करना हो कि भाई एक्सपेंसेस माने क्या है, तो उसके लिए मैं सिंपल करूंगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं जो भी खर्चा करता हूं, आई रिपीट, अच्छे से सुनो क्या बोला मैंने, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं जो कुछ भी खर्चा कर रहा हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, क्या, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं वो मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसके लिए चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या, सपोज मेरी शॉप है, मेरी शॉप में जो एम्प्लॉयज उनको मैं क्या पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, सैलरी पे कर रहा हूँ। या फिर मेरे फैक्ट्री में जो वर्कर्स है उनको मैं वेजेस पे कर रहा हूँ। ओके, या फिर सपोज मैंने कुछ परचेजेस किए रहेंगे, मैंने कुछ परचेजेस किए रहेंगे, या फिर मैं कुछ मेरे शॉप का रेंट या कुछ और बात भर रहा हूँ, रेंट भर रहा हूँ मेरा, ठीक है ना। तो ये बात को समझो अभी, अभी देखो एग्जांपल समझो अभी। क्या है, सपोज मेरा शॉप है और मेरे शॉप में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे शॉप में कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अभी जो भी एम्प्लॉयज काम करने वाले, अच्छे से समझो इसको अभी, जो भी एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं वो काम फ्री में करने वाले हैं क्या? सपोज आपका शॉप लो, क्योंकि क्या खुद से एग्जांपल अच्छे से समझता है, अगर खुद से बात करते हो तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझेगा। एग्जाम्पल क्या है, सपोज आपका खुद का शॉप है, एक्स वाई जेड जो भी शॉप का आपका नाम रहेगा वो नाम रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपने कुछ एम्प्लॉय अपॉइंट किए हुए, तो क्या आपको पता है कि अकेले आप सारा बिजनेस तो हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने क्या किया है कि भाई सेलिंग के लिए मैंने ये बंदा अपॉइंट किया है, बिलिंग के लिए अलग बंदा अपॉइंट किया है, जो भी मेरा परचेस करना होगा उसके लिए मैंने अलग बंदा अपॉइंट किया हुआ है। तो जो भी बंदा आपने अपॉइंट किया हुआ है, आई रिपीट, जो भी बंदा आपने अपॉइंट किया हुआ है वो बंदा आपके यहाँ पे फ्री में काम करेगा क्या? वो बंदा आपके यहाँ पे फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, वो आपसे कुछ तो भी एक्सपेक्ट करेगा, और आप जो एक्सपेक्ट करेगा आप उसको क्या पेमेंट करोगे, कुछ कैश पेमेंट करोगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। यहाँ पे बात को समझो, जो आपने एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, आपने जो एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, आपका बेसिक मोटिव क्या है यहाँ पे, आपका बेसिक मोटिव क्या है यहाँ पे? ओके, अपना बेसिक मोटिव क्या रहता है बिजनेस करते वक्त, कि प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना। देखो अच्छे से समझो, कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन करना नहीं है, अच्छे से समझ लो एक्सपेंसेस क्या होता है। मैंने सिंपल क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, क्या, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, हम एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, हम वर्कर्स को वेजेस पे करते हैं, हम परचेस करते हैं ताकि आगे कुछ सेल कर पाए, और सपोज हम हमारा शॉप है या फिर हमारी फैक्ट्री है उसका रेंट भी पे कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का, ये जो सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इनका मेरा बेसिक मोटिव क्या है, कि प्रॉफिट अर्न करना है ना, मेरा बेसिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। इसलिए एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं जो कुछ भी खर्चा करूंगा वो मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, वेरी गुड। तो चलो अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, अभी
लॉसेस। तो लॉसेस के लिए मैंने कुछ अलग डिफाइन किया हुआ है, लॉसेस के लिए मैंने कुछ अलग डिफाइन किया हुआ है, वो भी आप समझ लो, आपको इजीली जाएगा पूरा समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लॉसेस के भी टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। कितने? देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। नंबर वन इज नॉर्मल लॉस, नंबर वन इज नॉर्मल लॉस, नंबर सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। नंबर वन इज नॉर्मल लॉस, नंबर सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है ना, देखो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस है, तो अपने को ये फाइंड आउट करना है दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या लगता है आपको क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? नहीं पता? ठीक है चलो समझते हैं। चलो अभी अब नॉर्मल लॉस के लिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा शॉप है, आर शॉप है मेरा सपोज, ठीक है ना, आर शॉप है, और आर शॉप में मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स परचेस सेल कर रहा हूँ, है ना। तो सपोज एग्जांपल दो, मैंने एक चीज परचेस की थी, मैंने एक चीज परचेस की थी ₹10 में। कितने में परचेस की थी मैंने? ₹10 में। हम क्वांटिटी वाइज देख रहे हैं, हम पर यूनिट का देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो मैंने एक चीज कितने में परचेस की थी? ₹10 में, और वही चीज मैंने बेची फॉर ₹8। मतलब सिंपल क्या हुआ, ₹10 की चीज मैंने कितने में बेच दी? ₹8 में बेच दी, है ना। सीधा साधा देखो यहाँ पे, एकदम सिंपल है। क्या है, ₹10 में परचेस किया था, बेच दिया ₹8 में, तो सिंपल क्या है, ₹2 का क्या है मेरा यहाँ पे लॉस है। और लॉस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। और लॉस को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। चलो अभी एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि जो लॉस, आई रिपीट, कि जो लॉस नेचुरल कैलामिटीज के वजह से होता है। क्या बोला है मैंने? कि जो लॉस नेचुरल कैलामिटीज के वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि क्या? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, ये अपने क्या हो गए? एबनॉर्मल लॉस हो गए। तो मुझे बताओ, देखो समझ रहे हैं, नॉर्मल लॉस क्या बोला है मैंने? ₹10 की चीज मैंने ₹8 में बेच दी, वो मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या बोला है मैंने? जो लॉस मेरा नेचुरल कैलामिटीज के वजह से होने वाला है, जो लॉस मेरा नेचुरल कैलामिटीज के वजह से होने वाला है, तो क्या हो जाएगा मेरा? एबनॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? 100% क्लियर है। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको उसको आंसर करना होगा। क्वेश्चन सिंपल है। क्या क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इसमें से कौन सा ऐसा लॉस है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? बताइएगा, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में ऐसा कौन सा लॉस है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सोचो सोचो, थिंक, बताओ कौन सा लॉस होगा ऐसे कि दोनों में से ऐसा कौन सा लॉस है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस क्या? ओके ठीक है चलो, सिंपल आंसर इसका क्या? नॉर्मल लॉस हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक बार हमारा मार्केट में शेयर बढ़ गया तो हम हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, समझे, यह हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए दिस लॉस कैन बी कंट्रोलेबल एंड दिस लॉस कैन नॉट बी कंट्रोलेबल। ओके अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलो अब आपको दो चीजें समझ गई है, एक्सपेंस और लॉसेस का डिफरेंस भी आपको समझ गया रहेगा। एक्सपेंस क्या बोला मैंने? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया हुआ खर्चा। और लॉसेस में मैंने आपको दो पॉइंट डिफाइन किए, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये नेचुरल कैलामिटीज का हुआ, और ये एग्जाम्पल याद रखना है, बात खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो चलो अभी खाली दो चीजें बाकी देखने की, उसको भी फटाफट से देख लेते, यानी कि अपना नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। ओके चलो, इसमें नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है अपना अभी इनकम, और लास्ट क्या है अपने इसमें अभी? गेन्स।
इनकम और गेन्स। चलो अभी दोनों को समझ लेते हैं फटाफट से। इनकम क्या होती है बच्चों? इनकम सिंपल है, नॉर्मल लॉस का ऑपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा रे? इनकम हो जाएगा। क्या एग्जांपल देखो, परचेज किया था 10 रुपीज में, परचेज किया था रुपीज 10 में और सेल कर रहे हो रुपीज 12 में। परचेज किया था रुपीज 10 में और सेल कर रहे हो रुपीज 12 में, तो आपका क्या हो गया बच्चों? इनकम हो गया। 10 रुपए में परचेज किया था, सेल कर रहे हो 12 रुपए में, क्या हो गया सीधा साधा आपका? ये इनकम हो गया। समझा इनकम क्या होता है? अभी प्रैक्टिकली समझना है, थ्योरेटिकली समझना नहीं है अपने को, उसको आगे एप्लीकेशन करना है, इसको यूज करना है अपने फ्यूचर में। तो हम उसको एप्लीकेशन बेस से ही पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है? परचेस किया 10 में, बेचा 12 में, सीधा साधा 2 रुपए का क्या हुआ आपने यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ अपनी, क्या हो गई वो? इनकम हो गई। गुड, अंडरस्टूड। और लास्ट लास्ट क्या है बच्चा अपने यहाँ पे? गेन्स है। क्या होता है गेन्स? कुछ बोल पाओगे गेन्स के बारे में? गेन्स सिंपल, इसका बड़ा भाई हो गया। इनकम का बड़ा भाई क्या हो गया अपना? गेन्स हो गया। गेन्स माने क्या है? सिंपल में समझ लो, हमारी कैपिटल असेट, हमारी कैपिटल असेट बेच के जो पैसा आ रहा है, हमारी कैपिटल असेट बेच के जो पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगी? हमारी गेन्स हो जाएगी। क्या बोला? सिंपल, मैंने जो अपनी कैपिटल असेट है उसको बेच के कुछ पैसा आ रहा होगा वो अपनी क्या हो जाएगी? गेन्स हो जाएगी। समझे? जैसे कि देखो, ये जो पार्ट है गेन्स का, ये अपना डेली में होने वाला है, करे हम डेली अपने असेट बेचने वाले हैं क्या? नहीं, ये साल 2 साल 3 साल में एक बार होने वाला है। ये हमारा डेली एक्टिविटी है, ये रूटीन एक्टिविटी है। ये हमारा रूटीन एक्टिविटी है क्या? नहीं, ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है, ये अपनी रूटीन एक्टिविटी है। डिफरेंस समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, वेरी गुड। तो कैपिटल असेट बेच के जो भी पैसा आएगा वो अपनी क्या हो जाएगी? गेन्स हो जाएगी। क्लियर 100%? चलो फटाफट से नॉमिनल को समझ लेते। क्या था नॉमिनल में? 4 चीजें थी। एक काम करते, चलो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को फटाफट से कर लेते, जैसे कि एक रिवीजन भी हो जाएगी और एक रैपिड फायर भी अपना खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है पूरा। बोलो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के थे अभी अपने? 2 या 3? 2। नंबर 1 इज पर्सनल, सेकंड इज इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या है? हमारी बात करने वाले हैं। 3 चीजें, नेचुरल हम खुद, आर्टिफिशियल हमने जो बनाए हुए हैं, और रिप्रेजेंट जो कुछ तो भी रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था आपका यहाँ पे? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में भी 2 थे, रियल एंड नॉमिनल। रियल में भी 2 बातें थी, कैश और असेट्स। अबे असेट्स के कितने टाइप्स थे अपने बच्चों? 2, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल दिखती है, इनटेंजिबल दिखती नहीं, लेकिन कुछ तो भी उसकी वैल्यू होती है। टेंजिबल में भी 2 थे अपने, क्या है? फिक्स और करंट। डिफरेंस क्या था? फिक्स मोर देन 12 मंथ्स इन आर बिजनेस, करंट लेस देन 12 मंथ इन आर बिजनेस। वेरी गुड, समझ रहे? वेरी गुड। तो ये अपना हो गया रियल का, और नॉमिनल तो हमने अभी अभी देखा हुआ है। 4 चीजें थी यहाँ पे, क्या क्या? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। एक्सपेंस क्या था? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया हुआ खर्चा। लॉसेस क्या थे अपने? 2 टाइप्स के, नॉर्मल एबनॉर्मल, पता है आपको अभी। इनकम भी आपको मैंने बताया हुआ है, और गेन्स क्या थी? कैपिटल असेट बेच के जो भी खर्चा किया है वो अपनी क्या रहेंगी? गेन्स रहेंगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? अभी इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है? हैव अ नाइस डे, थैंक यू।